हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एवरेजेस। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस से। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा वैल्यू जो एक पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप ये बोल रहे हैं कि हम एक क्लास के मार्क्स को डिनोट कर रहे हैं, सपोज करिए 40 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मैं उनके सबके मार्क्स डिनोट कर रही हूँ कि एक्स पर्सन के मार्क्स इतने हैं, वाई के इतने हैं, जेड के इतने हैं, तो एक होल डेटा को अगर एक सिंगल वैल्यू में बात करूँ कि ये कहेंगे कि ऑन एन एवरेज इस पूरी क्लास के मार्क्स इतने हैं, तो वो जो सिंगल वैल्यू है दैट इज़ नोन एज एवरेज। अगर फॉर्मूला की बात करेंगे हम, तो जो फॉर्मूला हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं, फॉर्मूला क्या है एवरेज का, देखिए एक पॉइंट पहले देख लेते हैं कि एवरेज इज ऑल्सो नोन एज मीन और अर्थमेटिक मीन। ठीक है, देखिए फॉर्मूला की अगर मैं बात कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं इफ हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं 5, 10, 15, देन इफ एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड सो ऑन, एक्स एन आर एन ऑब्जर्वेशंस, देन देयर मीन इज इक्वल टू sum of all observations upon number of observations। ये हमारा mean का और average का formula हो गया। denote करने की अगर बात करेंगे तो mean is equal to और average is equal to एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री एंड सो ऑन, एक्स एन अपॉन एन, नंबर ऑफ क्वांटिटीज जितनी भी हमारे पास हैं, राइट। चलिए एक क्वेश्चन से देखते हैं, पूरा वर्किंग पार्ट भी देखेंगे और इसके लिए एक शॉर्टकट भी देखने वाले हैं हम आज। पहले नॉर्मल एक क्वेश्चन देख लेते हैं एवरेज का। फाइंड द एवरेज ऑफ numbers, क्या numbers mention है मुझे, 45, 35, 30, 40 and 50, करेक्ट। चलिए पहले फॉर्मूला से देखेंगे हम, एवरेज इज इक्वल टू सारे numbers को मुझे सम करना है, दैट इज 45 + 35 + 30 + 40 + 50 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने हो गए हमारे पास 5। अब इसको कर लेते हैं हम प्लस 40 or 30, 70, 140, 150, 50, 200 upon 5, that is 40। ये मेरी एवरेज की वैल्यू आ गई, तो आंसर क्या हो गया हमारा 40। आइए और एक क्वेश्चन देखेंगे और इसके लिए एक शॉर्टकट भी देखेंगे। देखिए हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे ऑब्जर्वेशंस को प्लस करें देन डिवाइडेड बाय, भी तो छोटा डेटा था, 5 ऑब्जर्वेशंस थे, 6 थे, तो हम प्लस करके डाल सकते हैं। सपोज करो मेरे को 20 नंबर्स दे दिए और उनका मीन मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ 74, 68, 71, 67 and 72, इसका एवरेज मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए आइए पहले प्रॉपर मेथड कर रही हूँ। एवरेज इज सारे नंबर्स प्लस करेंगे हम, 68, 71, 67 and 72 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 35,
दिस इज 70.4, ये मेरा मीन आ गया देखो, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि मुझे इसको थोड़े छोटे मेथड से करना है, मुझे सारे नंबर्स प्लस नहीं करने, तब हम क्या करने वाले हैं, ये शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं हम आज एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपको क्या करना है, इन नंबर्स का कोई भी एक मिडिल वैल्यू जो आपको लग रहा है जिससे ये सारे नंबर्स नियर बाय हैं, वो नंबर एज अ मीन चूज कर लेते हैं, ठीक है। मैं चूज कर रही हूँ कि सारे नंबर 70 के आसपास हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 70 चूज करें, हम दो मीन्स चूज करके दोनों से आंसर वेरीफाई करा के देखते हैं, दोनों से ही आपका आंसर यही मिलने वाला है। देखिए मैं 70 चूज कर रही हूँ, पहले लेट 70 बी मीन, बेसिकली इसको अज्यूम की तरह मान लेते हैं ना हम, अज्यूम्ड, राइट। अब आप क्या करने वाले हो, एक टर्म आता है देखो डेविएशंस, पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि डेविएशंस होता क्या है। कोई भी सीरीज मुझे मेंशन है और एक पर्टिकुलर वैल्यू के अबाउट अगर मुझे उसके डेविएशंस फाइंड करने हैं, तो डेविएशंस क्या है, उस सीरीज के हर नंबर से वो पर्टिकुलर वैल्यू माइनस करते चले जाएंगे जिसके अबाउट हमने डेविएशन फाइंड आउट करना है। देखो एक पहले एक नॉर्मल एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर देती हूँ। सपोज करो मेरे पास 7, 4, 3, 2, 1 ये नंबर्स हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि 3 के अबाउट डेविएशन निकालिए, फाइंड डेविएशंस अबाउट 3। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सिर्फ क्लैरिफाई कर रही हूँ आपको कि डेविएशंस हैं क्या, फाइंड द डेविएशन अबाउट 3। तो 3 के अबाउट अगर मैं डेविएशन की बात करूँगी तो हर ऑब्जर्वेशन में से ये 3 मेरा माइनस हो जाएगा, 4 - 3, 3 - 3, 2 - 3 and 1 - 3। जो नए वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं ये, दीज आर माई डेविएशंस, दीज आर नोन एज डेविएशंस, राइट। यही काम मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। हम क्या करेंगे, 70 को हमने अज्यूम मीन चूज कर लिया है, वो 70 को मैं इन सारे ऑब्जर्वेशन से माइनस कर दूंगी, 74 - 70। मैं लिख रही हूँ आपके समझने के लिए एक बार ना, फिर जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो एज इट इज़ माइनस करते जाइएगा। 68 - 70, 71 - 70, 67, 72 - 70। कितना कितना मिल रहा है देखिए, साइंस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सब लोग। 1 दिस इज -3 and 2। देखो ये अभी क्या करना है, ये सारे डेविएशंस का सम, जब सम करोगे ये प्लस के साइन देते जा रहे हैं, 2 से 2 बैलेंस हो गया, 4 - 1, 5 - 3 कितना मिला मुझे, 2। ये 2 जो वैल्यू मिली है ये इन 5 नंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो ऑन एन एवरेज इस 2 को मैं 5 से डिवाइड करूंगी, दिस 2 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल 5 ऑब्जर्वेशंस। तो हमने क्या करना है, हम 2/5 कर देंगे बस, क्या मिल रहा है हमें, 0.4। जो 70 मैंने अज्यूम मीन लिया वो और ये वैल्यू विद साइन अप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, 70 + 0.4 दिस इज 70.4, ये आंसर है जो हमने पहले भी सॉल्व किया है प्रॉपर मेथड से, ठीक है। अभी ये मैंने 70 से किया, आप कहेंगे नहीं हम तो 71 के भी नियर बाय हैं सारी वैल्यूज, तो हम 71 से करते हैं। तो चलिए टेक अ लुक एट कि हम अगर 71 से कर रहे हैं तब आंसर क्या मिल रहा है हमें। आइए लेट 71 बी द मीन। तो अब आप क्या करोगे, 71 को हर ऑब्जर्वेशन से माइनस करते जाओ, डी इज 74 - 71। और अभी मैं समेशन लेती जा रही हूँ, मतलब सम कर रही हूँ, सम ऑफ डीज प्लस 68 - 71 + 71 - 71 + 67 - 71 + 72 - 71। क्या मिल रहा है देखिए, 3 और इधर से -3,
प्लस ज़ीरो माइनस फोर प्लस वन, बैलेंस हो गया, माइनस का थ्री मिला मुझे. ये माइनस थ्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज फाइव नंबर्स. तो अगेन इसको क्या करोगे आप, फाइव से डिवाइड. दिस इज 0.6 विद नेगेटिव साइन. और आपका मीन क्या था, 71. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 71 प्लस माइनस 0.6, दिस इज अगेन 70.4. तो आप कोई भी अज्यूम मीन चूज करेंगे, आंसर विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं आएगा आपके आंसर में. बस थोड़ा कैलकुलेशन आपका कम हो जाएगा इस मेथड से. चलिए प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज और मीन. देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है. सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. आप ये कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, ऑल द डेविएशंस. ये प्रॉपर्टी कहीं कहीं क्वेश्चन में एज शॉर्ट ट्रिक भी हम यूज करके चलेंगे, तो इसको ध्यान से देखेंगे. सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो. राइट, टेकन फ्रॉम मीन मीन्स क्या हुआ, अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि जिस पर्टिकुलर वैल्यू के अबाउट आप डेविएशंस फाइंड करेंगे, वो वैल्यू पूरे डेटा से माइनस होती चली जाएगी. अब वो आपको क्या कह रहा है कि मीन के अबाउट अगर डेविएशंस निकाल रहे हो किसी डेटा का, तो उन सब का सम इज ऑलवेज जीरो. अगर एक स्टेटमेंट में डाल रही हूँ इस प्रॉपर्टी को मैं, तो हम ये कह रहे हैं कि एक्स वन है ऑब्जर्वेशन, इफ द सीरीज इज, पूरा ही लिख लेते हैं, देखिए, इफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन आर एन ऑब्जर्वेशंस विद मीन ए, देन आप क्या कह रहे हो कि सारे ऑब्जर्वेशंस में से मैं अगर मीन माइनस कर रही हूं ये, एक्स एन माइनस ए, दिस इज ऑलवेज जीरो. इसको अगर एक स्टेटमेंट में हम डालते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक्स आईज माइनस ए. समेशन जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है सम को, दिस विल ऑलवेज जीरो. ठीक है, चलिए इसको एक बार क्लियर भी कर देती हूँ आपको कि आया कैसे है. देखिए ये क्यों जीरो क्यों हो रहा है. ये आप क्या कह रहे हो कि हम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये सारा एक ब्रैकेट में डाल देते हैं एक्स एन तक, माइनस इधर क्या हो रहा है, ए प्लस ए प्लस ए अप टू सो ऑन एन टाइम्स. तो दिस इज एन इन टू ए. एन ए हो गया ना ये. और हमारा मीन का फॉर्मूला अगर मैं देख रही हूं, तो मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट, देन व्हाट वी आर गेटिंग कि x1, x2, x3 अप टू xn का सम इज n इंटू ए. तो दिस इज ऑल्सो na, na माइनस na, दैट इज जीरो. ये सिर्फ आपके क्लैरिफिकेशन के लिए है, नथिंग एल्स. अदरवाइज प्रॉपर्टी सिर्फ आपने इतनी ध्यान रखनी है कि सारे डेविएशंस का सम अगर मीन के अबाउट फाइंड आउट करेंगे आप, तो दैट इज ऑलवेज बिकम्स जीरो. राइट, चलो ऑब्जर्वेशन के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर आप ऐड कर रहे हो, तो जो पुराने वाली सीरीज का मीन था उसमें भी वो पर्टिकुलर नंबर ऐड हो जाएगा. प्रॉपर्टी नंबर टू, इफ ईच ऑब्जर्वेशन of a series is increased by a constant p, then mean is also increased by p.
also increased by p. ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ. देखो आप कह रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, ये है मेरे पास. इनका मीन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, कितना आएगा 5 और 4, 9, 12, 13, 14, 15 upon 5, mean is 3. ये मीन मिल रहा है इसका. अब आप ये बोल रहे हो कि अगर हर ऑब्जर्वेशन में 1 प्लस कर दिया, 2, 3, 4, 5, 6, तो मीन में भी सिर्फ 1 प्लस हो जाएगा, मीन विल बिकम्स 4, 20 upon 5, दिस इज 4. ये प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है आपका. ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी फॉलोज फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. इफ ईच ऑब्जर्वेशन of a series is subtracted by a constant, did by a constant p, then mean is also subtracted by p. और जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज मल्टीप्लाइड, मर्ज कर रही हूँ एक ही प्रॉपर्टी के अंदर, मल्टीप्लाइड और एंड डिवाइडेड बाय by a constant p, then mean is also multiplied and divided by that constant, multiplied and divided by that constant p. ठीक, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं. आई देखिए हम क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को. 89, 76, 85, x70 and 81. If डाल देते, if this has mean 80, then find the value of x, then find the value of देखिए ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास. इसमें मुझे क्या करना है, बस उसने मुझे मीन की वैल्यू मेंशन की है. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सारे नंबर्स को प्लस करें अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 80 एंड देन सॉल्व x. मैं क्या कर रही हूँ, उसने मुझे क्या कहा है कि मीन इज 80, तो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि सारे डेविएशंस का सम अबाउट मीन इज इक्वल टू 0. डेविएशंस अबाउट मीन इज 0. ये प्रॉपर्टी 1 है मेरी, उसी को मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर. देखिए डेविएशंस निकाल रहे हैं, 89 माइनस 80, प्लस ब्रैकेट्स डालते जाइएगा, 76 माइनस 80, प्लस 85 माइनस 80, प्लस x माइनस 80,
प्लस 70 माइनस 80 प्लस 81 माइनस 80 इज इक्वल टू 0. 9 माइनस 4 प्लस 5 प्लस x माइनस 80 माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 9 और 1 10, ये बैलेंस हो गया इससे. 5 माइनस 4 1 प्लस 8 x माइनस 80 इज इक्वल टू 0. x माइनस 79, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दिस इज 79. ये हमारा आंसर हो गया बस. ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा इस मेथड से आपका. और एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा शॉर्ट ट्रिक से हम कर रहे थे, जिसमें डेविएशंस निकाल के उसको प्रॉपर नंबर्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. इफ 45, 35, 30, 40, 50. मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ मीन को? सपोज मैं मीन 40 अज्यूम कर रही हूँ. लेट द मीन बी 40, राइट? आप क्या करोगे, डेविएशंस निकालोगे 40 के अबाउट. निकालो 45 माइनस 40, 35 माइनस 40, 30 माइनस 40, 40 माइनस 40, 50 माइनस 40. सारा क्या करना है मुझे? प्लस. और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने नंबर्स के अंदर? जितने मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं. आ जाओ, 5 माइनस 5 माइनस 10 प्लस 0 प्लस 10, क्या मिला? 0. कितने नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5 में अपॉन 5, 0 ही आ गया. इसको कहाँ लेकर जाना है? 40 प्लस 0. तो आंसर भी कितना हो गया? मीन का आंसर भी 40 ही आएगा. अदरवाइज यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को आपको इसके साथ विद साइन प्लस करना है. दैट्स इट, वो आपको आंसर दे देगा, राइट? चलिए, ये शॉर्ट ट्रिक्स को एक बार आप दोबारा करके देख लेंगे. इफ एनी डाउट देन टेल मी इन कमेंट सेक्शन. और कीप प्रैक्टिसिंग. सी यू, बाय बाय. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बटन बेल आइकन.